नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। और आज की जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो यहां पर देखिए मैंने लिया है रेयॉन फैब्रिक और मैं इसी की वीडियो आपके सामने शेयर करने वाली हूं। यहां पर आज कुछ टिप्स बताऊंगी जो काफी आपके काम आने वाली है, और अगर यदि आप बिगनर्स हैं तो भी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और आपको जैसे कम आती है सिलाई तो बहुत ही ईजी हो जाएगा इस तरह से करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ये फैब्रिक लिया है, तो ये कुछ ना आगे और पीछे वाले पीसेस दोनों जुड़े हुए थे, तो मैंने इनको अलग कर लिया है। क्योंकि जब हम इस तरह से जुड़े हुए पीस निकालते हैं तो वो जब सिंपल प्रिंट होता है तब तो हम अच्छे से निकाल लेते हैं, बट ऐसे जो डिजाइन होते हैं उनमें हम नहीं निकाल पाते। तो मैंने सब दोनों को अलग अलग कर लिया, और अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को बराबर बराबर रखकर ऐसे और मिडल में ही रखना है, ताकि अच्छे से ये प्रिंट भी जैसे भी है वो वैसे ही आ जाए, वरना उल्टा सीधा हो जाता है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ऊपर की साइड से मार्क लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ तीरा रखने वाली हूँ 7 इंच का, और मैं यहाँ 7 इंच का मार्क करके फिर हम टॉप से नीचे की साइड लगाएंगे। और यहाँ पर मैं अपना मेजरमेंट कर रही हूँ, जो मेरा अपना नाप है मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 6.5 इंच पे लगाया, उसके बाद फिर 14 इंच पर, और फिर लगाया 23 इंच पर। तो ये सारे अलग अलग मार्क हो जाएंगे, जैसे कि 6.5 इंच का हमारा चेस्ट का है, और 14 इंच का यहाँ पर वेस्ट का, और 23 इंच हिप का। और इन सभी को हम जो भी हमारा यहाँ पर मतलब नाप होगा, जो भी हमारा यहाँ पर नाप होगा इन निशानों पर हम उनको डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लिया अगर 36 चेस्ट है तो हम क्या करेंगे, उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो वो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और सिर्फ उसमें 1/2 इंच जोड़ देना है। तो जो भी हमारा यहाँ पर इस तरह से नाप होगा हम उसमें इसी तरह से 1/2 इंच जोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए सभी को मैं इस तरह से मार्क कर लूंगी। तो जो भी अगर आपका थोड़ा कम या ज्यादा हो उसी में रखना, हमें अपना यही मेजरमेंट है कि 1/2 इंच हमें जोड़ना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। अब क्या करूंगी, मैं इन सबको इस तरह से एक दूसरे से जोड़ती हुई चली जाऊंगी। उससे क्या होगा ना, एक फिटिंग आ जाएगी, और फिर उसके बाद हम करते हैं आगे। और देखिए ये तो हो गया हमारा फिटिंग का, और जो ये अब आगे का है इसमें मैं 2-2 इंच और लग कर दूंगी, ताकि वो हमारी फिटिंग की हो जाएगी और ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, वहां पर तो ऊपर की साइड तो मैंने 2-2 इंच करा है, अब ये नीचे के जो चाक होते हैं मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। तो ये मैं 1.5 इंच पर लगा रही हूँ, ताकि नीचे से एक मतलब मोड़ने में सही रहेगा इतने उसमें। और ये यहाँ पर मैं नीचे की साइड से 22 इंच पर लगा रही हूँ। थोड़ा आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं, बट जो ज्यादा थोड़ा ऊपर हो जाता है तो वो ज्यादा ऊंचा कट हो जाता है। और जो भी यहाँ पर मतलब जरूरी पॉइंट है वो थोड़ी लंबी बाजू कट करने वाली हूँ, और उनमें डिजाइन भी डालूंगी। और जो ये मैं डिजाइन बनाने वाली हूँ, इस तरह से आप उसमें कई तरह के डिजाइन बना सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल और अच्छा लगने वाला है। मतलब इस तरह के डिजाइन काफी ट्रेंड में है, और जो बहुत ही जल्दी से बन भी जाते हैं।
यहाँ पर डिजाइन के लिए ही मैं ये पट्टी कट कर रही हूँ। ये मैंने 5 इंच चौड़ी ली है और जितनी आपकी स्लीव की लंबाई है आप उसके अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं और फिर इस तरह से हम इसको लगा देंगे। यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करना है, बस ऐसे किनारे पे से मोड़ना है और अंदर की तरफ उल्टी साइड हमें मोड़ना है बारीक बारीक और फिर इस तरह से ऊपर से पट्टी जोड़ देनी है। ये हमें उल्टी तरफ से सीधी की तरफ लगाकर फोल्ड कर देनी है और हमारा जो बाजू का डिजाइन है वो बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा और ये डिजाइन मतलब सुंदर भी लगता है बनने के बाद। इस तरह के बुकरम के जो डिजाइन है गले के वो भी आते हैं, बट यहाँ पर मैं सिंपल बुकरम का एक पीस से ही आपको डिजाइन बताऊंगी कि आप किस तरह से एक सिंपल डिजाइन भी बना सकते हैं और इसी तरीके से आप कोई भी अच्छे से अच्छा डिजाइन बना सकते हैं जो कि बहुत आसान होगा आपको लगाने में भी। और यहाँ पर देखिए मैंने एक पीस लिया है इस तरह से ये, और मैं इसी में ही कट करने वाली हूँ। पहले जितना भी आपको मतलब रखना है तो जितना हमने तीर रखा है मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजर करके इसको अभी सिर्फ सिंपल तरीके से बता रही हूँ, आप चाहे तो उसमें कोई डिजाइन भी बना। पर जब हम इसे लगाएंगे तो कुछ चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, मतलब कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम उसको किस तरीके से लगाएं। हमें एक तरीका आना चाहिए कि हम किस तरीके से लगा रहे हैं, चाहे आप बिगिनर्स क्यों ना हो उसके लिए, चाहे आपको बिल्कुल भी आता क्यों ना हो, लेकिन जब हम कुछ चीजें ऐसे ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम कुछ भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दो डिजाइन बताने वाली हूँ, दोनों ही मैं सिंपल बताऊंगी, फ्रंट का भी और बैक का भी। एक यहाँ पर मैं बुकरम का बताने वाली हूँ, एक बिना बुकरम का, और दोनों ही सेम आपको ऐसा लगेगा पता भी नहीं चलेगा कौन सा हमने बुकरम से बनाया है और कौन सा बिना बुकरम के। और देखिए यहाँ पर जो मैंने ये जो नीचे इसमें कपड़ा लगाया है वो मेरे पास कम था, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम जो हमारे बचे कुचे टुकड़े होते हैं उन्हें जोड़कर भी हम गले को इससे कवर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा स्क्वायर में ही कपड़ा हो। के बाद अब देखिए जब हम लगाएंगे तो किस तरह से इसमें हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जो भी ये बीच का इसका मिडिल पॉइंट है उन दोनों को बीच के को ही एक दूसरे से मिलाना है इस तरह से, ताकि कम या ज्यादा ना हो। और सिंपल करना क्या है कि इस तरह से अटैच करके हम सिर्फ सिलाई लगा देंगे और सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे कि जो हमारी इधर से ऐसे चारों तरफ लग जाए और बचे भी मतलब जो बुकरम है उसके साइड साइड से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं दोनों तरह के आपको गले बताऊंगी किस तरह से हमें लगाना है, तो यहाँ पर हमारा फ्रंट वाला तो कंप्लीट हो गया, तो अब जो ये बैक साइड वाला है वो मैं यहाँ पर कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ 2-2 इंच की पट्टियां निकाली हैं और उनको कट करके मैं आपस में जोड़ लूंगी, कई सारी यहाँ पर पट्टियां निकल जाएंगी। इस तरह से आप किसी भी कम कपड़े में भी निकाल सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है आपको ज्यादा कपड़ा चाहिए। और इनको कट करने के बाद हम इन्हें आपस में स्टिच कर लेंगे, सिल लेंगे आपस में कुछ इस तरह से कि एक लंबी सी पट्टी बन जाए और फिर उनको हम वहां पर अटैच कर देंगे नेक में।
का गला है वो रेडी हो गया है इससे। और अब क्या करना है, सिंपल इसे कट कर लेना है सिलाई को बचाते हुए, राउंड में इसे ऐसे ही कट करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने कोई कोर्स तो किया नहीं है, लेकिन जो भी मैंने सीखा है मुझे आता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए यदि आपको पसंद आए मेरी वीडियो और आपको ये अच्छा लगे इस तरह से जो मैंने बताया है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वो भी कर देना। और देखिए, अब मैं यहाँ पर इस तरह से स्लीव जोड़ रही हूँ, तो इन्हें क्या करना होता है, जैसे हमारी आगे पीछे हो जाती है, अगर आप इस तरह से ही बाजू जोड़ते हैं तो उसको भी इस तरह से बीच में से दोनों को रखकर तब जोड़ें, एक साइड पहले फिर दूसरी साइड। उससे क्या होता है ना, छोटी बड़ी भी नहीं होती है और अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाती है। लगाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हम यहाँ पर ही दो तीन बार उसे टर्न करके सिलाई लगाएं, ताकि जब हम यहाँ पर ये जो हमारे चाक होते हैं इस तरह से करें तो वो जल्दी से मतलब सिलाई उधड़े ना। तो इसे इस तरह से हमें करना बहुत ही अच्छा होता है, मतलब इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से इन्हें मोड़ देंगे और मोड़ कर यहाँ पर इस तरह से आप तुरपाई कर लेंगे या फिर यहाँ पर इस तरह से सिंपल सिलाई लगा देंगे। और देखिए, यहाँ पर जो मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ करके, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि आपका इस तरह से साइड से फट जाता है या सिलाई निकल जाती है, तो उसके लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से जो हम काज बनाते हैं ये उस तरह से बनाना होता है, और ये बहुत मजबूती से होता है। और ये थी कुछ जरूरी बातें, कुछ ऐसे खास टिप्स जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। होप सो आप सभी को अच्छी लगी होंगी और समझ में भी अच्छे से आए होंगे। तो प्लीज यदि समझ में आए हो और अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। और लास्ट में फिर बोलूंगी कि अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज वो भी कर दे। और अब वीडियो होती है यहीं पर खत्म। फिर मिलती हूँ नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।